हैवान बन चुके बड़े बाबू का पर्दाफाश, मेडिकल छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटी अस्मत, 3 दिन तक फ्लैट में बंधक बनाकर करता रहा गंदा काम। इस शख्स को गौर से देखिए, शक्ल से सीधा साधा आदमी लग रहा ये शख्स इंसान नहीं हैवान है। इसके इंसानी शरीर के अंदर हवस का भूखा भेड़िया छिपा है, जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी भूख मिटाता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के क्रिश्चियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट में बड़े बाबू के पद पर काम करने वाले इस भेड़िए ने इंस्टीट्यूट की छात्रा से 3 दिन तक बंधक बनाकर रेप किया। अनुपम दीनदास नाम के इस भेड़िए पर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली ANM की छात्रा ने नशीला पदार्थ पिलाकर बंधक बनाने और 3 दिन तक रेप करने का इल्ज़ाम लगाया है। एटा जिले की रहने वाली छात्रा का इल्ज़ाम है कि उसे बुखार था तो वो इंस्टीट्यूट के अस्पताल दवाई लेने गई, जहां बड़े बाबू ने उसे मेडिकल स्टोर में बुलाकर एक पाउडर पिलाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वो एक बंद कमरे में थी और उसके साथ इंस्टीट्यूट का बड़ा बाबू गंदा काम कर रहा था। वो चिल्लाई लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और वो भेड़िया 3 दिन तक उसके जिस्म को नोचता रहा। 3 दिन बाद छात्रा किसी तरह वहां से भागने में सफल हुई और पूरे कांड की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब परिजन SP के पास पहुंचे तो SP ने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी पर मुकदमा दर्ज करवाया और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम तैयार कर दी। देखिए, इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कल शाम को वादिनी जो है वो हमारे कासगंज थाने पर अपनी तहरीर लेके आई थी। तहरीर के आधार पर हमने तुरंत मुकदमा लिखवाया और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण के संबंधित हर एक गंभीर पहलू का विवेचना की जा रही है और विवेचना प्रचलित है। छात्रा के मुताबिक उसे आगरा के वाटर वर्क्स इलाके के एक फ्लैट में बंधक बनाया गया था। इंस्टीट्यूट के कर्मियों का कहना है कि आरोपी को 2 साल पहले भी निष्कासित किया गया था, लेकिन काफ़ी सिफारिश के बाद उसे वापस रख लिया गया, लेकिन इस बार उसने जो किया वो माफ़ी लायक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।